सर कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे और उसके बाद आपने रिकवर किया और कुछ चेंज किया और का एक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था जब हम टू सिडनी ओलंपिक्स खेल रहे थे जी वो आज की तक की बेस्ट टीम थी मेरे हिसाब से अच्छा जी सर कौन कौन प्लेयर थे हमारे साथ धनराज पिल्ले जी साबु विरकी मुकेश बलजीत ढिल्लो जी बलजीत सैनी जी दीपक ठाकुर प्रभजोत जी, जी तो समीर दाद जी तो वो टीम एक बहुत अच्छी टीम थी और बहुत सालों बाद हमने बहुत क्लोज थे मेडल के जी और एक पोलैंड के साथ हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैच था अगर पोलैंड से हम टू टू ड्रॉ भी हो जाते तो हम सेमीफाइनल में चले गए थे जब सेमीफाइनल में आए थे तो मेडल हमारा श्योर था जी और सिर्फ एक मिनट रह गया था हम वन जीरो से जीत रहे थे जी और एक मिनट जब कम हो गया तो हम वन वन ड्रॉ हो गए और हम पूल से बाहर हो गए वेरी oh, oh. शॉकिंग कुछ प्लेयर तो वहाँ पे ऐसे रोए जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो दो दिन तक कर कोई नॉर्मल नहीं हुआ मतलब इतना बड़ा शॉक लगा उस चीज का जी तो फिर आगे टूर्नामेंट्स आते हैं रहते, रहते हैं।, हैं जब आप हार के आते हैं सर कई बारी अनफर्टुनेट है ये वैसे कई बारी आप देश में वापस आते हैं तो काफी निंदा भी होती है निंदा तो एयरपोर्ट से शुरू हो जाती है हां जी अगर हम

<laughs> मतलब गुस्से से आने मतलब चीजें होती है बड़ा बड़ा तब तो बड़ा बैड फील होता है जी बिल्कुल हां तो ये जी चलता रहता है ये सब ये चलता रहता तो है एक्सपेक्टेशन है जीतोगे लोग गले लगाएंगे थोड़ा नाराज भी भी बनती है बिल्कुल सर है। सर आपने कैप्टेंसी भी करी है इंडियन टीम की एज अ लीडर आपने टीम को कैसे मोटिवेट रखते थे आप जब आपको कैप्टन बना देते हैं और वो भी नेशनल टीम को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो यू बी वेरी मच बाकी से डिसिप्लिन में जी, क्योंकि बाकी तो फिर भी कहीं ना कहीं बाहर गए घूमने चले गए तो कि आप कोचेज के साथ मीटिंग में इन्वॉल्व हो जी, जो वहाँ लोकल कमेटी है उनके साथ मीटिंग्स होती है हाँ जी, तो प्रेशर एक अलग सा बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी तो सारे प्लेयर्स को इकट्ठा रखना जी फिर आप जो फर्स्ट इलेवन अनाउंस कर रहे हो जी तब भी नाराजगी कई प्लेयरों की मैच आपके साथ आगे फर्स्ट इलेवन में अगर नहीं डाला तब पंगा पड़ जाता फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है चलता हो रहता है खास करके उस पर अगर वो मैच हार गए फिर तो बहुत ज्यादा पंगा पड़ जाता है जी बिल्कुल सर ऐसी तीन चीज़ें जो आपने ड्यूरिंग ऑल योर जर्नी ऑफ स्पोर्ट्स तीन ऐसी चीज़ें जो आप यंगस्टर्स को एडवाइस करना चाहोगे तीन ऐसी चीज़ें जो आपने स्पोर्ट्स से सीखी हैं सर डिसिप्लिन जी योर नेशन जी जहाँ पर रह रहे हो बै, 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 तो तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है भी आप अपने मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में हम जाते हैं तो बहुत लोग बहुत अपनी कंट्री को ना बहुत ज़्यादा करते हैं हम भी करते हैं जी बिल्कुल हम बोलते हैं लेकिन थोड़ा अंदर से हम जी <laughs> तो डिसिप्लिन रिस्पेक्ट फॉर द नेशन और अपना एक फोकस जी भी एक लाइफ का आप में एजेंडा होना चाहिए कि आज मैं सुबह उठाऊ यूथ के लिए आज मैंने करना क्या है जी बिल्कुल तो तभी आप उस टारगेट पे पहुंचोगे ये नहीं भी सडन आपकी एज होगी और आपको फिर कहोगे मैं तो यहाँ पहुंचाएंगे तो आपको नीचे से बेस बना के एक सक्सेस मिलता है जी बिल्कुल ये तीन चीजें बहुत एक सीखी जो स्पोर्ट्स में बिल्कुल सही कहा